आज का प्रोग्राम लाहौर के किले के एक और अहम इमारत दीवाने आम के बारे में है। दीवाने आम को शाहजहां बादशाह ने 1631 और 32 के माबाइन तामीर करवाया और इसकी तामीर में संगमरमर और सुर्ख पत्थर, जिसे हम रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया। यह इमारत आम सतह से तकरीबन 1 मीटर बुलंद है, या यूं कहिए कि तकरीबन 1 गज से थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, जबकि इसकी गहराई, या जिसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, 60 फुट के करीब है और इसकी लंबाई 187 फुट है। आइए ज़रा करीब चल के देखते हैं कि इस इमारत की अहम खसूसियात क्या हैं। दीवाने आम का जो प्लेटफॉर्म है, उसका ये एक कोना आपको नज़र आ रहा है। अगर आप कोने को जायजा लें तो कोने पर एक छोटा सा कॉलम है, इसे हम टेक्निकली मिनिएचर कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम एक हश्त पहलू कॉलम है। नीचे इसकी बेस है, उसके नीचे स्क्वायर प्लेटफॉर्म का कॉर्नर है और ये इसका कैपिटल है। कैपिटल के ऊपर प्लेटफॉर्म का असल हिस्सा शुरू हो जाता है। यहाँ काबिले गौर चीज़ है ये जो रेपिटिशन हुई है डेकोरेटिव मोटिव्स की। इन मोटिव्स का अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ आपको 2 एलिमेंट्स साफ नज़र आएंगे। एक है ये स्क्रोल का एलिमेंट और उसके नीचे इन्वर्टेड ब्रैकेट्स हैं छोटी छोटी। ये सब मिलकर एक यूनिट्स बनते हैं और इन यूनिट्स की ही एक लंबी कतार आपको प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। इसके ऊपर दीवाने आम का जो प्लेटफॉर्म है, उसका जंगला या बैलुस्ट्रेड है, ये भी संगमरमर का तामीर करता है। इसमें भी वैसे ही ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है और इसमें 2 पैरेलल बार चलती हैं जो तमाम अहाते के इर्द गिर्द खड़ी थी। अफसोस है कि वक्त की ज्यादती और आवाम की बेरुखी ने ये तकरीबन तमाम की तमाम बैलुस्ट्रेड ख़त्म कर दी है और इसका कुछ थोड़ा हिस्सा ही अब बाकी है। पत्थर की बनी हुई इमारतों में 2 एलिमेंट्स बड़े अहम हैं। एक एलिमेंट्स वो हैं जो वर्टिकल या अमूदी खड़े होते हैं और दूसरे वो हैं जो हॉरिजेंटल या उफकी नज़र आते हैं। और एक तीसरा एलिमेंट जो इन दोनों की वजह से वजूद में आया, वो है ब्रैकेट का एलिमेंट। और जहाँ जहाँ भी पत्थर की इमारतें बनी, ये तीनों एलिमेंट हमें बखूबी नज़र आते हैं। मसलन आप इस जंगले को ही लीजिए, इसमें हमें एक तो ये इस नन्हे से स्टोन की बेस नज़र आ रही है, लेकिन इसी बेस का एक वही एक समय ऊपर नज़र आता है, इसका एक अहम फंक्शन है। मसलन ये कि अगर इसको इतना चौड़ा ना किया जाता तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल बीम है, ये उसके ऊपर रेस्ट ना कर पाता। दिलचस्प बात यह है कि इस पत्थर की जो कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ नज़र आ रही है, इसके प्रोटोटाइप्स या इब्तदाई जो मिसालें हैं, वो हमें लकड़ी की आर्किटेक्चर में ही नज़र आते हैं। ये दीवाने आम का पहला प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो लोग अपनी शिकायत लेकर आते, वो पहली मंजिल के तौर पर इसमें जमा होते। उसके बाद फर्दन फर्दन उनकी तलबी की जाती और वो इन सीढ़ियों से चढ़कर इस बरामदे में दाखिल होते, जहाँ वो बादशाह के हजूर पेश होते। दीवाने आम का ये जो छत वाला हिस्सा है, ये हिस्सा अंग्रेज़ों के वक्त में फौजियों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, लिहाजा उस वक्त में या उस दौर में इसकी काफ़ी बर्बादी हुई। और ये जो आर्चेज इसकी आपको नज़र आ रही हैं, ये बदकिस्मती से शाहजहां के दौर की गमाजी नहीं करती। दीवाने आम के सामने की तरफ आपको 9 आर्चेज नज़र आती हैं, जबकि दाएँ और बाएँ 3-3 आर्चेज हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि तमाम आर्चेस एक एक कॉलम पे खड़ी हैं, मासवाए वो आर्चेस जो बाहर की जानब हैं, वो 2-2 कॉलम्स पे खड़ी हैं, और जो कॉर्नर पे हैं वहाँ हमें 4-4 कॉलम नज़र आते हैं। मसाजिद और मकाबर में अगर हम देखें तो जहाँ भी ओपनिंग्स हैं, वो आम तौर पर 3, 5, 7, 9 या इसी तरह चलती थी। इसकी वजह ये थी कि अगर 3 होंगी तो दरमियाने दर जो है उसके सामने सीढ़ियाँ आती थी, 5 होंगी तो 2 एक तरफ और 2 एक तरफ और 5वीं के सामने सीढ़ियाँ। इसी तरह जब इस दीवाने आम के सामने की तरफ 9 आर्चेज हैं, तो जो दरमियानी आर्च है उसके सामने सीढ़ियाँ आती हैं, जबकि अगर ये अदद 2, 4, 6 हों तो फिर दरमियान में सीढ़ियाँ लाना मुश्किल हो जाती। दीवाने आम के बाहर की जानब चूँकि 9 आर्चेज हैं, तो अंदर इस सीन में जो आपको आर्चेज नज़र आ रही हैं, ये 10 आर्चेज हैं। उसकी वजह यह है कि ये आर्चेज सामने की नस्बत ट्रांसवर्स आर्चेज हैं,
यानी समय जो एक आर्च नजर आती है यहाँ उस पर दो आर्चेज हैं और माबाइन की जो आर्चेज हैं वो हर एक आर्च पे दोनों तरफ से शामिल होती हैं, इसलिए यहाँ 10 आर्चेस या 10 ट्रांसवर्स आर्चेज की एक कतार नज़र आ रही है। इन आर्चेज का शाहजहानी दौर से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि ये अंग्रेजी दौर में अक्सर नौ तामीर की गई। एक और अहम पहलू यहाँ ये लोहे के जो आपको डंडे नज़र आ रहे हैं, टेक्निकली इनको हम टाई रॉड्स कहते हैं ताकि आर्चेज और स्तून अपनी जगह से हिलने ना पाए, ये भी अंग्रेज़ों ने ही यहाँ मुतारफ़ कराए। दीवान आम के अंदर की जानब जो कॉलम है उन्हें हम तनहा कॉलम या सिंगल कॉलम कहते हैं, लेकिन बाहर की जानब अगर एक आप निगाह जुड़ाएं तो आपको डबल कॉलम्स की एक कतार नज़र आएगी। यही डबल कॉलम जब कॉर्नर्स पे आते हैं या जब प्लेटफॉर्म के नुक्कर पे आते हैं तो दो की बजाय चार बन जाते हैं। इसकी वजह यह है कि दो कॉलम उधर से आते हैं जोड़ों की सूरत में और दो दो कॉलम इस जानब से आते हैं, तो या तो नुक्कर पे तीन कॉलम होते जो थोड़ा सा ऑकवर्ड नज़र आता। अगेन जब मैं ये कहूँगा कि ज्योमेट्री को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने यह मुनासिब समझा कि कोनों पे चार चार कॉलम दिए जाएँ। लिहाजा हम देखते हैं कि दीवान आम का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसके दोनों कोनों पे चार चार कॉलम्स हैं। दीवान आम में इस्तेमाल होने वाले कॉलम्स की ये एक बेस या बुनियाद है। इस पर जो डेकोरेशन नज़र आ रही है वो थोड़ी सी वजाहत तलब है और इसमें आपको यकीनन दिलचस्पी भी होगी। मिसाल के तौर पर अवलिन आपको ये पर्स नज़र आ रहे हैं, इनको तकनीकी इस्तेमाल में हम मोर पंख भी कहते हैं, जैसे कि एक मोर की दुम हो। तो इधर भी वही कंस्ट्रक्शन है और इस तरफ भी वही कंस्ट्रक्शन है ताकि बैलेंस का जो इस्तेमाल है उसे बरकरार रखा जाए। दरमियान में हमको दो छोटे मोटिव्स नज़र आते हैं, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। जो लोग कदीम मिस्री आर्किटेक्चर से वाकिफ हैं वो इस यूनिट को बखूबी जानते हैं कि ये एक यूनिट का जो कदीम मिस्री आर्किटेक्चर में बहुत से इस्तेमाल किया गया और इसे हम पैरस बेड मोटिव भी कहते हैं। यहाँ इसे लोटस बेड मोटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और आम तौर पर जो कमल के फूल खिलते थे उनकी इब्तदाई शक्ल ऐसे ही होती थी। ऊपर ये जो हिस्सा सतून का है ये एक अजीब इत्तेफाक है कि हमें 12 पहलू वाले सतून बहुत कम नज़र आते हैं, यहाँ ये सतून जो है 12 पहलू लिए हुए है। और दिलचस्प बात यह भी है कि हर पहलू को अलग करने के लिए इनको कनकेव शक्ल नहीं दी गई, ये बिल्कुल फ्लैट हैं। दीवान आम के बैरूनी जानब जो कॉलम्स हैं उनमें आपको ये सुराख नज़र आएंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, फिर इस जगह भी कटाव है। इसी तरह इस कॉलम के दूसरी जानब भी ऐसे ही सुराख और कटाव आपको नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि दरअसल यहाँ उसी तरह का एक जंगला या बैलुस्ट्रेड खड़ी थी जैसे आपने पहले प्लेटफॉर्म के किनारे पर देखी। वक्त के साथ साथ ये जंगला जाता रहा, अब इसकी चूंकि मुरम्मत हो रही है और इम्कान है कि जल्द ही यहाँ ये जंगला दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, इसीलिए ये अपर्चर्स या सुराख दोबारा बना दिए गए। यह है दीवान आम का सबसे अहम हिस्सा या इसका ख़ास हिस्सा और आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहूँगा इन ब्रैकेट्स की तरफ। ये चार ब्रैकेट्स जो दीवार से तकरीबन 2.5 फुट बाहर हैं, इससे डेढ़ या 2 गुना दीवार के अंदर हैं और यही वजह है कि ये ऊपर का बोझ सहा सकती थी। ये तमाम की तमाम ब्रैकेट्स रेड सैंडस्टोन में बनाई गई हैं। इनमें दिलचस्प बात जो नोट करने की वो है इसका ये लहरियापन, जिसके बायस ये सरपेंटाइन ब्रैकेट्स या ऐसी ब्रैकेट्स जिनकी शक्ल या मुशाबत सांप से मिलती जुलती है। ये एक दोमंजिला सा दरा है और मेरा मकसद इस वक्त आपको ये बताना है कि यहाँ भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको एक बर्ड्स बीक यानी जानवर की चोंच नज़र आ रही है, ये शक्ल जानवर की चोंच से अखज की गई है। अब इनका मकसद ये है कि जब ये दो वर्टिकल कॉलम्स नज़र आते हैं और उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल बीम रखते हैं तो उस बीम का फासला कम करने के लिए हर दो जानब ब्रैकेट्स लगा दी जाती हैं ताकि बीम के ऊपर बिल्डिंग का जो दबाव है वो बांटा जा सके। इस तर्ज तामीर को आम इस्तेलाह में कोलम्बियन ग्रेडिएटेड
स्टाइल कहते हैं। मैं इस वक्त उसी जगह बैठा हूँ जहाँ कभी शहंशाह शाहजहां बैठता था और आवाम के फैसले सुनाता था। यही वह जगह है जहाँ तख्त था और उसके पीछे बादशाह का महल है। वो महल ही से आता और यहाँ बैठ जाता और नीचे वो आया होती जो अपने मुकदमात बादशाह के सामने पेश करती। वो एक छोटी सी तकरीबन 8 फुट 8 फुट की जगह है और इसके आगे एक छोटी सी ये जाली की हद बनाई गई है। इसमें हश पहलू मोटिव्स इस्तेमाल किए गए हैं और ये तमाम का तमाम एक ही संगमरमर का टुकड़ा है। इसके नीचे अगर आप डेकोरेशन देखें तो इस डेकोरेशन को हम टीयर ड्रॉप डेकोरेशन कहते हैं। दूसरी काबिले गौर बात है इसके ये कॉलम्स, ये भी संगमरमर के एक ही टुकड़े के हैं। अब ज़रा ऊपर निगाह दौड़ाइए तो कुछ देर पहले हमने जो दो ब्रैकेट्स का जिक्र किया था, एक सर्पेंटाइन ब्रैकेट और दूसरी बर्ड ब्रीक ब्रैकेट, वो आपको दोनों सज्जे के नीचे नज़र आ रही हैं और उनका मकसद भी वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बयान किया। तो इसका मकसद सज्जे के बर्ड को सहारा देना है और उसके बाद ऊपर का जो छत है वो उसको उठाए हुए हैं। हमने कोशिश की कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके दीवाने आम के बारे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करें। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने आपको जो कुछ दिखाया, जो कुछ बताया, वो ना तो आपको किसी फिल्म में मिलेगा, ना किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में मिलेगा और ना ही आज तक जो कुछ लाहौर किला और दीवाने आम के बारे लिखा गया वो आपको किसी किताब में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश को सराहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।